चंबा में सीएम जयराम के संबोधन के दौरान निकला सांप, छात्रों में अफरा तफरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन के दौरान पंडाल में सांप निकल आया। सांप को देखते ही विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ ही पलों में सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को चंबा में प्रदेश के पहले विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। सीएम ने बताया कि देश भर में 75 विज्ञान संग्रहालय बनेंगे। हिमाचल में इसकी शुरुआत ऐतिहासिक बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा में खोले गए पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय के साथ हुई। गौर हो कि पंडित जयवंत राम वर्ष 1952 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और स्टेट हाई स्कूल चंबा में भारतीय मूल के पहले मुख्याध्यापक भी थे। सीएम जयराम ठाकुर बोले, पप्पू कहने पर टोकता हूँ पर हरकतें देख लगने लगता है सच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के अध्यक्ष को यह पता नहीं है कि आटा 40 रुपए किलो या लीटर में बिकता है, उस पार्टी के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार हमारे साथी पप्पू बोलते हैं, मैं उन्हें टोकता हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद कांग्रेस नेता ऐसा घटनाक्रम करते हैं कि सही मायने में लोगों द्वारा कई बात सच प्रतीत होती है। चंबा के लील में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के नेता शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वे आएंगे कैसे, उन्हें आने लायक ही नहीं रहने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में कांग्रेस छोड़ो अभियान चला हुआ है। ऊना और सोलन में भी दिखा वायुसेना के एयर शो का नजारा। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हुआ एयर शो ऊना के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। लड़ाकू विमानों के करतब का ऊना के लोगों ने भी लुत्फ उठाया। शनिवार दोपहर बाद आसमान में विमानों की करतब दिखाने की गतिविधियों का नजारा ऊना वासियों ने भी देखा। शोर और धुएं के साथ विमानों का आसमान में यूं मंडराना लोगों में विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का विषय भी बना रहा। घर में बैठे शहरवासियों के कानों में गूंजती विमानों की आवाज़ उन्हें बाहर आसमान की ओर टकटकी लगाने के लिए मजबूर करती रही। विशेष रूप से बच्चों ने घरों की छत पर चढ़कर विमानों के आकर्षक दृश्य को काफी समय तक निहारा। करीब 50 विमानों के बार बार आने जाने के क्रम में शहरवासी इसे युद्ध की तैयारी या युद्ध छिड़ने जैसे हालातों की चर्चा करते दिखे। स्थानीय वायुसेना से जुड़े लोगों ने इसे वायुसेना दिवस के चलते एयर शो बताया। SBI को लगाई 54 करोड़ की चपत, कंपनी प्रबंधक समेत 4 पर केस दर्ज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 54 करोड़ रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। कसुमटी SBI के बैंक प्रबंधक देवेंद्र कुमार संधु की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शिमला में 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। बैंक प्रबंधक की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार कंपनी प्रबंधक तुषार शर्मा और उसकी पत्नी श्वेता शर्मा ने अपनी अलग अलग 4 कंपनियों के नाम से जारी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज लिया लेकिन लौटाया नहीं। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर CBI ने शिमला के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। तुषार शर्मा, उसकी पत्नी श्वेता शर्मा, गारंटी देने वाले राकेश शर्मा और उसकी पत्नी पूनम शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगामी जांच जारी है। शाइना बने मिस कुल्लू, दूसरे स्थान पर रही बंजार की ममता। वन्य प्राणी सूचना केंद्र मनाली के सभागार में रुद्रा द अल्टीमेट ग्रुप की ओर आयोजित मिस कुल्लू प्रतियोगिता का खिताब अखाड़ा बाजार की शाइना ठाकुर ने जीता। मनाली में ग्रैंड फिनाले के अलग अलग दौर से गुजरने के बाद शाइना को मिस कुल्लू चुना गया। बंजार की ममता दूसरे और शीशा माटी की पूनम तीसरे स्थान पर रहीं। रुद्रा द अल्टीमेट ग्रुप हर वर्ष मिस कुल्लू प्रतियोगिता करवाता है। मिस कुल्लू के 6th सीजन में जिले से 8 प्रतिभागियों को ग्रैंड फिनाले राउंड के लिए चुना गया था। 2 दिन तक मनाली में ग्रैंड फिनाले करवाया गया। इसमें कुल्लू के अखाड़ा बाजार की शाइना ठाकुर मिस कुल्लू 2022 की विजेता रहीं। 107 दिन बाद दोबारा शुरू हुई TTR रिजॉर्ट में ट्रॉली, पर्यटन विभाग से मिली मंजूरी। टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट में 107 दिन से खड़ी ट्रॉली शुक्रवार शाम 4 बजे दोबारा से शुरू कर दी गई। पर्यटन विभाग ने ट्रॉली शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। पहले दिन शाम को कई पर्यटकों ने इसमें आवाजाही की। बताया जा रहा है कि तकनीकी कमेटी ने रिजॉर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव दी है, इसके बाद दोबारा ट्रॉली शुरू करने की अनुमति दी गई है। बीते 20 जून को बनासर स्थित मोक्षा रिजॉर्ट से परवाणु TTR के लिए आ रही ट्रॉली तकनीकी खराबी के चलते अचानक जमीन से 150 फीट की ऊंचाई पर लटक गई थी। यह ट्रॉली TTR रिजॉर्ट से करीब 100 मीटर पहले फंस गई थी। इसमें दिल्ली के 5 परिवारों के 10 पर्यटकों सहित 11 लोगों की सांसें 6 घंटे तक हवा में अटकी रही थी।
हिमाचल में दो दिन बारिश का येलो अलर्ट, न्यूनतम पारा गिरा। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 14 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला सहित कई जगह मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। शनिवार को राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर बाद शहर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। शनिवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई। प्रदेश सरकार के खिलाफ 10 को हल्ला बोलेंगे आंगनबाड़ी कर्मचारी। सीटू से संबंध आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन ने हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर भर्ती से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी कर्मी 10 अक्टूबर को ICDS के सभी प्रोजेक्टों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। बजट सत्र के दौरान सरकार ने प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कर्मियों को 30% कोटा देने की बात की थी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव वीणा शर्मा ने कहा कि प्री प्राइमरी नियुक्तियों से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति दे। विकास किया होता तो वोट के लिए नहीं भटक रहे होते मोदी और नड्डा। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाली बीजेपी आचार संहिता को आगे बढ़ा रही है ताकि प्रदेश में उद्घाटनों के फट्टे लगाए जा सकें। यह बार शनिवार को हमीरपुर के सुजानपुर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए कही। सुजानपुर के सराहकड़ में आयोजित इस सम्मेलन में राजेंद्र राणा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को जगह जगह वोट मांगने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी ने 5 सालों में विकास के नाम पर लोगों से धोखा किया है। अगर बीजेपी ने विकास किया होता तो ऐसे बड़े नेताओं को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हिमाचल को मिले 245 नए डॉक्टर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा बेहतर उपचार। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार ने कदमतार शुरू कर दी है। CM जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात को पूरा करते हुए 245 नए डॉक्टरों को तैनाती दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सूची जारी कर दी है। जयराम सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 245 नए डॉक्टरों को तैनाती दी है। इसको लेकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इन 245 डॉक्टर की सूची और पोस्टिंग लिस्ट जारी कर दी है।